एक मुस्लिम था, मौलवी। उसका एक मित्र था कोई वैष्णव। दोनों कहीं मित्र बन गए होंगे। अब दोनों में कभी कभी धर्म चर्चा होती थी, एक दूसरे के धर्म को लेकर के, पंथों को लेकर के बात होती थी। तो एक दिन उस मौलवी ने अपने वैष्णव उस मित्र से कहा, बोले एक बात बताओ, तुम्हारे यहां कोई ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई श्लोक है या कुछ ऐसा है जिससे तुम्हारा खुदा साक्षात मुझे दिख जाए? तो उन्होंने गीत गोविंद उसको प्रदान कर दिया, बोले लो इसका पाठ करना शुरू कर दो, तुमको हमारे ठाकुर जी दिख जाएंगे। मुस्कुराने लगा, बोले ऐसे ही बोल रहे होंगे। बोले बस एक काम करना। बोले क्या? बोले जब इसको लेकर के बैठो और इसका गायन करो, तब भाव से या प्रत्यक्ष रूप से एक खाली आसन लगा देना। उसने कहा क्यों? बोले क्योंकि ये जब तुम गाओगे ना, तो हमारे जगन्नाथ जी, हमारे ठाकुर जी, राधा रमन जी निश्चित आएंगे वहां पर। भले ही तुम्हें दिखे ना, धीरे धीरे तुम्हारी भक्ति पुष्ट होगी तब तुमको दिखेंगे, लेकिन तुम आसन बिना आसन लगाए कभी मत गाना। एक आसन सन्मुख, या आसन नहीं हो तो एक भाव से ही कि मैंने यहां पर एक चौकी लगा दी है, ठाकुर जी अगर आप आओ तो बैठ जाना, एक आसन निश्चित रख देना। मौलवी ने कहा ठीक है। अब वो रोज गाते और रोज एक आसन लगाते, इसी प्रकार अलग अलग अष्टपदियां गाते, धीर समीरे यमुना तीरे बसति बने वनमाली। थे तो वो मौलवी, लेकिन संस्कृत आती थी। प्राचीन भारत में सबको संस्कृत आती थी। संस्कृत जैसे आज हम हिंदी बोलते हैं, वैसे प्राचीन भारत में संस्कृत सबको ही आती थी, सभी बोलते थे। तो ऐसे वो रख करके गाते थे रोज। उनको ठाकुर जी दिखे तो कभी नहीं, लेकिन वो फिर भी उनका नियम जैसा बन गया, वो रोज गीत गोविंद का पाठ करने लगे। एक दिन वो कहीं, उनको जाना था, बड़ा विलंब हो गया और विलंब होने की वजह से वो गीत गोविंद का पाठ नहीं कर पाए। तो जैसे ही घोड़े पर बैठे कहीं जाने के लिए, तो चाबुक दे करके घोड़ा चलने लगा। मन में विचार करने लगे, आज तो मैंने गीत गोविंद का पाठ ही नहीं किया है, अब क्या मेरा नियम थोड़ा ही है, और हमारे लिए जरूरी भी नहीं, हम हिंदू हों तो करें रोज। लेकिन फिर भी मन में आया कि भाई जब नियम ले रखा है तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आज हम अपने घर पर नहीं कर पाए, घोड़ा पे बैठे बैठे ही कर देते हैं। और घोड़ा चल रहा था, घोड़े की नाल के धुन पे ही उन्होंने गीत गोविंद गाना शुरू किया। और जैसे गीत गोविंद गाया, आसन तो रखा नहीं ठाकुर जी का, गीत गोविंद गाते गाते तभी क्या देखते हैं, एक नन्ना सा नीला नीला नीलमणि जैसा बालक, वो उल्टा घोड़े के पीछे दौड़ रहा है दोनों भुजाएं ऊपर करके, और वो साक्षात श्री राधा रमन लाल जी ही थे, वो घोड़े के आगे आगे दौड़ रहे थे गीत गोविंद सुनते हुए। जैसे परम सुंदर बालक का दर्शन किया, अपना घोड़ा रोका और जब देखा, बोले अरे बालक, तुम ऐसे उल्टे दौड़ रहे हो, इतनी गति से उल्टे दौड़ रहे हो, कौन हो? बोले क्या करें, दौड़े नहीं तो क्या करें, तुमने आसन ही नहीं लगाया आज हमारा। और ऐसा कहकर के वो अंतर ध्यान हो गए। तब से वो उसी भाव में उन्मुक्त हो गया, दौड़ करके अपने वैष्णव के पास गया, बोले आज मैंने तुम्हारे ठाकुर को देखा। और जब उन्होंने पूरा वृत्तांत बताया तो वैष्णव भी रोने लगे, हृदय से लगा लिया, बोले जय हो, गीत गोविंद की जय हो, जिसको सुनने के लिए ठाकुर जी इतने उतावले रहते। इसलिए भैया, इस कथा का साफल्य हो जाए यदि एक अष्टपदी भी हमको याद हो जाए, और रोज उसको पुष्ट करो, रोज उसको सिद्ध करो, जगन्नाथ जी को जाकर के सुनाओ, और फिर नित्य जब यहां से लौट के अपने घर जाएं तो एक नवीन आसन रोज अपने सन्मुख पधराओ, और उस आसन पर ऐसा भाव रखो, हे लाल जी पधारो, और फिर गीत गोविंद का पाठ करो। हम आपको प्रमाणित रूप से कह रहे हैं, निश्चित किसी ना किसी दिन अनुभव तो जगन्नाथ जी का निश्चित होगा कि वो पधारे, आए हैं, सुन रहे हैं, इतना प्रिय है ये भाव।